नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पिछले 18 दिनों से इंदौर की जेल में कैद कथित कमांडर मुनव्वर फारूकी को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है और वो भी गाड़ी में। कमांडर के नाम पर हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते मुनव्वर फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2020 में केस दर्ज हुआ, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने इंदौर सेंट्रल जेल में प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। फारूकी को 1 जनवरी को धार्मिक भावना आहत करने के लिए इंदौर में गिरफ्तार किया गया था। मुनव्वर के साथ नलीन यादव, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और एडविन एंथनी नाम के 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रोपेगेंडा वेबसाइट दिवियर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, डेनमार्क के दुपन्नी अखबार में पेंगवर का कार्टून छपने पर भारत की गलियों में फूट फूट कर मातम मनाने वाले मुन्ना भाई, जर्नलिस्ट माँ सीता का अपमान करने वाले शोहदे के जोतिया जाने पर कलप रहे। एमपी पुलिस ने हिसाब किया है, बाकी हिसाब करने यूपी पुलिस पहुंची है। गाड़ी में लाएंगे फर्जी कॉमेडियन को। इससे पहले आरफा खानम ने ट्वीट में लिखा था, इंदौर पुलिस के मीडिया में यह स्वीकार करने के बावजूद भी उन्हें मुस्लिम हास्य कलाकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। वह पहले ही 18 दिन जेल में रह चुका है। उसकी मुस्लिम पहचान भी उसका एकमात्र अपराध है। भारत माता की जय। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने मुनव्वर के खिलाफ पिछले साल अप्रैल माह में दर्ज एक मामले को लेकर प्रोटेक्शन वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए इंदौर सेंट्रल जेल और CJM कोर्ट में समक्ष 7 जनवरी को प्रोटेक्शन वारंट प्रस्तुत किया। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल 2020 में आशुतोष मिश्रा नामक एक अधिवक्ता की शिकायत पर प्रयागराज जिले के जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में यह प्रोटेक्शन वारंट पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपित पर भारतीय दंड सहित IPC धारा 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्य करने का इरादा, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित और धारा 65 और 67 IT एक्ट 2008 के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला फारूकी द्वारा अपलोड एक YouTube वीडियो पर आधारित है। इसमें उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए गोदरेज ट्रेन जलने के मामले में हिंदुओं की मौत का मजाक उड़ाते हुए और नरसंहार में RSS और अमित शाह की भूमिका पर जोर दिया था। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।